हमें आगे चलकर जी हमें शुगर हो जानी है, ये हमें पहले से कैसे पता चल जाएगा? इसमें हम रिस्क असेसमेंट करते हैं कि पांव क्यों काटा जाता है शुगर के मरीज, पांव में अक्सर गैंगरीन हो जाती है। शुगर बेसिकली जो खून की नालियां है ना उन पे असर करती है। बंदे को शुगर है ना तो उसका जो जख्म है ना वो जल्दी नहीं भरता, वो इसी वजह से होता है कि खून की सप्लाई कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इस वजह से इन्फेक्शन बहुत जल्दी होती है। शुगर आपकी इम्यूनिटी को कम कर देती है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग साहिवाल, सुबह खैर जागो साहिवाल में, मैं हूं आपका मेज़बान अमान शाहिद, आपको खुश आमदीद कहता हूं। और जनाब दिन का आगाज़ करेंगे हम एक अच्छी बात के साथ, और आज की अच्छी बात अशफाक अहमद का कॉल है कि फल जो होता है ना वो दरख्त के ना तो मजबूत डाले को लगता है और ना ही उसके तने को लगता है, बल्कि फल तो लरस्त ही आजिज सी शाख को लगता है। और इसका मतलब यही है कि अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में आजज़ी के साथ रहेंगे तो हमें भी इंशाल्लाह ज़रूर आगे जो है वो हमारी ज़िंदगी में आसानियां होंगी और हमें अच्छे अच्छे जो हैं उसके समरात मिलेंगे। तो जनाब ये थी हमारी आज की अच्छी बात, और आज के प्रोग्राम में हमने बात किया डॉक्टर सहेल शौकत से, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमने उनके साथ शुगर के हवाले से कुछ ऐसे पेचीदा सवालात किए हैं जिनका जवाब जानना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब डॉक्टर सहेल शौकत के साथ हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया है, जाको साहिवाल में आपको वो सेगमेंट दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि कैसा हो सकता है कि अगर शुगर जो है अगर किसी पेशेंट को आगे चल के होनी हो तो वो हम उसका पहले पता चल सकता है वैसे? हाँ बिल्कुल। कैसे? अच्छा इसमें हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन जो है उनका एक अपना एक है क्राइटेरिया है, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन जो है उसका एक अपना क्राइटेरिया है, और पाकिस्तान में जो ट्रायल्स हुए थे या इसमें जो रिकवरी जो हमने किया था उसको हम रैपिड कहते हैं। रैपिड एक एब्रिविएशन है जिसका मतलब है कि रिस्क असेसमेंट इन पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स फॉर डायबिटीज़, ठीक है, ये रैपिड का एक है। तो रैपिड में हम लोग चंद क्वेश्चंस हैं, तीन क्वेश्चंस हैं टोटल जो पूछे जाते हैं। एक तो ये होता है कि आपकी एज कितनी है, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन होता है कि आपकी वेस्ट कितनी है, यानी मोटापे का अंदाजा लगाने के लिए वेस्ट देखते हैं, ये होती है। और तीसरा क्वेश्चन सिंपल सा होता है कि फैमिली में शुगर है या नहीं, आपके पेरेंट्स में या आपके बहन भाइयों में किसी में शुगर है नहीं, तो वो एक फॉर्म है वो हम लोग अब दे भी रहे हैं। और एक साथ इसका तरीका है जो फार्मिवो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनकी एक चल रही है कैंपेन डिस्कवरिंग डायबिटीज़। अच्छा। उसमें एक वेबसाइट पे उन्होंने अपना एक लिंक दिया हुआ जो हम शेयर कर देंगे, उसको ओपन करें और उसमें उन क्वेश्चंस के आंसर्स करें और वो आपको एंड पे एक स्कोर दे देगा। अच्छा। वो स्कोर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। और वो एक्यूरेट भी होता है? एक्यूरेट है, वो पाकिस्तान में ट्रायल्स हुए हैं ना पहले सारे। अच्छा। पूरी दुनिया में पहले वो अपने अपने मुताबिक किए हैं ट्रायल्स, पाकिस्तान में अपने उनके ट्रायल्स हुए। लेकिन अगर हम एक कॉमनली बात करें तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें पता चल जाए कि हमें ये बीमारी होने वाली है और हमें उसका पहले से ही पता चल जाए, जिसमें शुगर है कि हमें आगे चलकर जी हमें शुगर हो जानी है, ये हमें पहले से कैसे पता चल जाएगा? अच्छा उसमें ऐसे होता है कि ये बेसिकली शुगर की जो टाइप्स है ना उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, वो मोस्टली बच्चों में होती है, तो उसका तो कोई पता नहीं चलता, वो उसकी वजूहात हैं कुछ पता चली हैं कुछ नहीं, मतलब उसका नहीं कोई भी आइडिया, हो सकता कि हो जाएगी यानी अचानक से हो सकती है। दूसरी जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जिसकी अब एज लिमिट जो है वो आफ्टर 32 ईयर्स वो एक हो सकती है, लेकिन अभी भी यंग लोग हैं उनमें भी हो जाती है। इसकी एक तो फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की फैमिली में डायबिटीज़ है पहले। अच्छा। उनके पेरेंट्स में है या उनके बहन भाइयों में किसी को हो चुके, सबसे बेसिक वजह जो होती है ना डायबिटीज़ की वो होती है हमारा वेट, हमारा वेट कितना है, हमारा खाने पीने का स्टाइल क्या है और हमारा रहन सहन कैसा है, क्या हम फिज़िकली एक्टिव हैं या नहीं है, ये चार फैक्टर्स हैं जिनको आप देखें। अगर तो अगर आप ये सारा कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की और आप वेट ज़्यादा है आपका, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप कोई वॉक नहीं करते हैं, आपने मतलब फिर ये रिस्क है कि ये हो ही जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब हमने देखा है कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं शुगर के जिनका पांव काटना पड़ता है, यानी कि नौबत यहाँ तक पहुँचती है, तो उसकी क्या रीजन है और ये पांव क्यों काटा जाता है शुगर के मरीज? पांव में अक्सर गैंगरीन हो जाती है, शुगर बेसिकली जो खून की नालियां है ना उन पे असर करती है। अच्छा। ये खून की नालियों को तंग कर देती है, तो जहां जहां खून जाता है तो वहां वहां इसके असरात तो आ रहे हैं। अच्छा।
ये आपके सर के बालों से लेके नाखून तक असर करती है। अच्छा। पाँव जो होता है उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत कम होती है पहले, जब पेशेंट की खून की नालियां तंग होना शुरू हो जाती हैं तो नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, खून की नालियां तंग होके वो जो आपके टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो हल्का सा भी अगर ज़ख्म बन गया कहीं पे तो वो आगे चल के बहुत बड़ा ज़ख्म बन जाता है। और ये भी बड़ा एक कॉमन है कि अगर किसी बंदे को शुगर है ना तो उसका जो जख्म है ना वो जल्दी नहीं बढ़ता। वो इसी वजह से होता है ना कि खून की सप्लाई कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इस वजह से इन्फेक्शन बहुत जल्दी होती हैं। शुगर आपकी इम्यूनिटी को कम कर देती है, बहुत वीक कर देती है। और ज़रा सा भी मतलब आम लोगों से अगर हम कंपेरिजन करें तो ना सिर्फ पैरों के मसाइल बल्कि कोई भी इन्फेक्शन होती है ना जो वो दूसरे लोगों से ज़्यादा आती हैं क्योंकि इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। इसलिए इसमें कुछ सीजनल वैक्सीनेशन हम करवाते हैं, जिस तरह ये अक्सर हमें निमोनिया है या कुछ ये सांस के मसाइल होते हैं, इन पे हम लोग पहले से वो जो वैक्सीन हैं करते हैं पेशेंट्स की कि ये लाजमी करवाएं, लेकिन वो अभी इतना ट्रेंड हुआ नहीं हमारे यहाँ। लोग मेडिसन्स बड़ी कम लेते हैं तो वैक्सीनेशन तो बड़ी दूर की बात, अभी तक नहीं लोग लेते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई भी पेशेंट शुगर पेशेंट 100% शुगर से रिकवर हो सकता है? हाँ। क्योंकि हमने सुना है कि ये लाइफ टाइम चलती रहती है, ये मतलब कि ये कभी एंड नहीं होती है, बल्कि इंसान एंड हो जाता है शुगर डायबिटीज जो है वो एंड। ऐसे लोग 10% तक या मैक्सिमम 5% तक, यानी कि ये रहती है, एग्जिस्ट करती है मुकम्मल तौर पर, 0% ये बिल्कुल भी रिकवर नहीं होता इंसान से। असल में ये होती है हमारी बेएहतियाती की वजह से, जब हम एहतियात नहीं करते हैं, वेट बढ़ा लेते हैं। जिन लोगों के वेट बहुत ज़्यादा होते हैं ना, टाइप 2 डायबिटीज़ जिनको होती है, वो अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा। ये हमारे पास काफ़ी सारे मेरे पेशेंट्स भी हैं जिन्होंने किया है, ख़ास तौर पे ऐसे यंगस्टर्स जो स्टार्ट में वेट उनके बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने अपने वेट कम किए हैं और शुगर ख़त्म कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रिस्क ख़त्म हो गया। अगर दोबारा से उसी लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं, जैसे कि बदपरहेजी शुरू कर देते हैं, जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीना शुरू कर देते हैं, दोबारा से हो सकती है। लेकिन जो लोग वेट ज़्यादा है, अगर ये अपनी बॉडी 10% वेट कम कर लेते हैं तो शुगर ख़त्म हो सकती है, विदाउट मेडिसिन कंट्रोल भी कर सकते हैं, इससे बच भी सकते हैं। सबसे बड़ी जो वजह है वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं। हमारी जो यंग नेशन है, बच्चे जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स बड़ा पी रहे हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। अगर इन्हीं चीज़ को अगर हम रोक दें तो काफ़ी ये शुगर पीछे चली जाएगी। पाकिस्तान जो है अब दुनिया में परसेंटेज के हिसाब से 1 है डायबिटीज़ में। ना सिर्फ डायबिटीज़ में 1 हो गया है, बल्कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी उसी टाइम हम लोग 1 पे आ चुके हैं। और उसकी वजह सिर्फ यही है, हमारी बेहतियाती। हमने हर चीज़ जो है वो एक अक्सर जो मेरे पास पेशेंट आते हैं वो लापरवाही समझ रहे हैं कि हम लोग लापरवाह हो चुके हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, ये आपके बालों से लेके पैर के नाखून तक असर करती है। इसको जब तक सीरियस नहीं लेंगे ना हम, तो इसको ट्रीट नहीं करेंगे या इससे बचने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आप देखें कि मेडिसिन बड़ी महंगी हैं, वो लेनी पड़ती हैं। उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, सबसे जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अब स्टार्ट में ही आ जाती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है। और अक्सर लोगों को तो पता ही तब चलता है जब हार्ट अटैक हुआ तो पता चला जी कि शुगर थी जी। तो इसलिए इसको शुरू से ही अपने इस खतरे को जानना चाहिए हमें कि हमें हो सकती है या नहीं हो सकती है, फिर उसकी प्रिवेंशन करनी चाहिए। प्रिवेंशन कोई ज़्यादा मसला नहीं है। हमारे जो पुराने लोग थे वो यही काम करते थे ना, मेहनत करते थे, काम करते थे और एक सादा खाना खाते थे। सादा खाना खाएं अपना शुगर के बगैर, और अपना डेली का वर्कआउट करें, आधा घंटा वॉक कर लें या वर्जिश कर लें, तो डायबिटीज से बचा जा सकता है। अच्छा, इसी हवाले से आपको मैसेज भी देते हैं हमारे व्यूअर्स को। हाँ, सर्दियाँ चूँकि अब शुरू हो गई हैं, तो सर्दियों के हवाले से एक तो ये है कि पानी का इस्तेमाल जो है, जो शुगर पेशेंट्स है ख़ासतौर पर, उन्हीं के लिए पैगाम है कि एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपनी रूटीन में पानी रखें, चाहे वो थोड़ा सा वार्म वाटर लें या अपनी हाइड्रेशन पूरी रखनी चाहिए। मेडिसन्स आपने रेगुलर लेनी है, और ख़ास तौर पे जो पाँव पे असरात आ रहे होते हैं, हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, तो उसमें अक्सर लोग जिनको न्यूरोपैथी डिवेल्प हो जाती है, पाँव सुन्न हो जाते हैं, वो आग बड़ी सेकते हैं, हीटर लगा के बैठ जाते हैं पाँव। मेरे पास बड़े केसेस आए हैं जिनमें जो हीटर की वजह से आए हैं, पैर जले हुए, वो उनको सेंसेशन नहीं होती, ख़त्म हो जाती है, सुन्न होते हैं, पता नहीं चलता, पाँव ठंडे होते हैं, वो आग सेकना शुरू कर देते हैं।
आग सेकते सेकते उनको एहसास ही नहीं है कि तपश कितनी लग गई है, उसमें पाँव इतना जल जाता है कि उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। उसके बाद फिर वही गैंग्रीन डेवलप हो गई और पाँव काटने पड़ते हैं। एक तो इससे बचें, अगर आपको सर्दी लग रही है, पाँव ठंडे महसूस हो रहे हैं, तो कॉटन की सॉक्स जो है ना वो पहने। कॉटन की सॉक्स अब अवेलेबल हैं मार्केट में, अक्सर वो मतलब फेसबुक पे भी मैंने देखा है, वो दे रहे हैं, वो मंगवाई हैं हमने, बड़ी अच्छा उसका है वो, खासतौर पर शुगर पेशेंट्स के, शुगर पेशेंट्स के लिए। पॉलिएस्टर की या पहनने से या दूसरा पहनने से ये नुकसान होगा कि छाले बनना शुरू हो जाते हैं, एक तो ये है। दूसरा, अक्सर लोग जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, इंजन के पास उनका पाँव होता है, न्यूरोपैथी जिनको हुई होती है उनके, तो वो भी बिल्कुल इतने करीब होते हैं कि उनके पाँव भी जलना शुरू हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स या छाले बनना शुरू होते हैं और बाद में जख्म बन जाते हैं। तो एक तो नरम जूता इस्तेमाल करें, सबसे बड़ा दुश्मन जो पैरों का है ना वो जूते हैं। वो कैसे? जूते जो हैं वो टाइट हम लोग पहनते हैं, एक दूसरा हम लोग जो सख्त जूते हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जूतों के लिए सबसे ज़रूरी है कि एक तो शुगर पेशेंट को शाम के टाइम पे जाकर जूता खरीदें। उसकी रीज़न कि सारा दिन बैठते हैं, अक्सर लोगों के वेट ज़्यादा होते हैं, तो जब बैठे होते हैं काम कर रहे हैं उनके पाँव स्वेल कर जाते हैं। एक नंबर बड़ा ख़रीद लें या शाम को ख़रीदें जब आपके पाँव जो हैं वो फुल स्वेल किए हुए हों, आप उस टाइम पर ख़रीदें ताकि शाम के टाइम पर जो आपने जूता पहना हुआ है वो आपके पाँव को दबाए ना। दूसरा, उसका जो नीचे इनसोल होता है या तला जिसे हम कहते हैं, वो इतना नरम होना चाहिए, फोम वाला होना चाहिए, बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल ज़रा सा भी वो सख्त नहीं हो। साथ उसके जो पाँव के साथ जो लेदर हम यूज़ करते हैं वो भी कोशिश करें कि फोम वाले बूट जो होते हैं ना जॉगर्स, वो पहनने चाहिए। जॉगर अब लोग काफ़ी पहनना शुरू हो गए हैं, पहले होता था कि शलवार कमीज़ के साथ जॉगर ना पहने जी, अभी ख़वातीन भी आगे बताती हैं जी वो पतले पतले जूते पहने होते हैं, पाँव सख्त हुए होते हैं, छाले बनते हैं, ज़ख्म बन जाते हैं। तो जूता जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, फीमेल्स जो पेशेंट्स हैं उनको भी सॉफ्ट जूता जॉगर्स पहनने चाहिए और मेल्स को भी। हमारी एक एसोसिएशन है, मैं उसके हवाले से एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि प्राइमरी केयर डायबिटीज़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी एसोसिएशन है जो डायबिटीज़ प्रिवेंशन पे काम कर रही है, यानी हम लोगों को बचाना चाह रहे हैं कि उनको शुगर ना हो। इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया हुआ है, वो हमारे फेसबुक पेज पे भी है, यूट्यूब चैनल पे भी हमने दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक भी हम दे देंगे उस पे भी है। उसको आप लोग फिल करें, अपना स्कोर देखें कितना आ रहा है, उसका हमें व्हाट्सएप भेज दें, जो भी उसका स्कोर आता है उसको फॉर्म की शक्ल में अगर आपने किया तो उसको भेज दें, अगर आपने वेबसाइट पे किया तो उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे नंबर पे भेज दें, हम आपको फ्री गाइड करेंगे। हमारे पास डाइटिशियंस की पूरी टीम है, वो आपको फ्री डाइट प्लान देगी कि आपने किस तरीके से शुगर से बचना है। तो हमारी कोशिश है कि हम जितना हो सके ख़ासतौर पर अपने साहिवाल सिटी को हम बचा सकें शुगर से, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कम से कम इस बीमारी से बच जाए और हम भी प्रिवेंशन करके पाकिस्तान शायद इस काम में ही नीचे चला जाए। तो इसमें हमारी हेल्प करें आप लोग भी और इस रिस्क असेसमेंट अपनी ज़रूर करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शौकत हमारे साथ मौजूद थे, और नाज़रीन ये प्रोग्राम आपने देखा, मुझे इसके फीडबैक करेगा। इंतजार आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते में जाकर साहिबाद में दोबारा फिर से मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अपने मेज़बान अमान शाह को दीजिए इजाज़त। अ वेरी गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफ़िज़।